नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार और मेघालय समेत 13 राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति और फेरबदल को स्वीकृति दे दी है, जिसके बाद बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का राज्यपाल बनाया गया, जबकि बिहार के राज्यपाल के रूप में अब राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इससे पूर्व हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे, जबकि 23 अप्रैल 1954 को गोवा के पंजी में जन्मे राजेंद्र विश्वनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। बचपन से ही आरएसएस से जुड़े रहे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर गोवा की कैबिनेट में मंत्री के रूप में कार्य किया, जबकि इसके बाद इन्हें गोवा विधानसभा का अध्यक्ष भी बनाया गया। भागलपुर के नवगछिया में शनिवार की देर रात एक शख्स की पीट पीट कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मृतक का खून से सना शव एक मक्की के खेत से बरामद हुआ। वहीं इस हत्या की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और आक्रोशित लोगों ने जमकर बवाल करते हुए सड़क जाम कर दिया। मृतक की पहचान नवगछिया मक्खा तखिया निवासी टेम्पो चालक 18 वर्षीय अंकुश कुमार के रूप में हुई है, जिसकी लोगों द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं घटना को लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस ने रविवार को गौशाला के पीछे खेत से खून से सना शव बरामद किया था, जिसके बाद घटना से आक्रोशित लोगों ने नवगछिया बाजार जाने वाली सड़क को 2 घंटे तक जाम कर आवागमन बाधित कर दिया। वहीं इसको लेकर परिजनों का कहना है कि अंकुश को 1 माह पूर्व भी बदमाशों ने हिमांशु फ्यूल सेंटर से उठा लिया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई थी, जबकि इसके बाद घटना से 1 दिन पहले भी घर पर आकर धमकी दी गई थी। हालांकि परिजन बदमाशों के नाम और कारणों का खुलासा करने से बचते दिखे। इधर नवगछिया SDPO दिलीप कुमार ने बताया कि घटना के कारणों का भी पता नहीं चल सका है और परिजनों से जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस ने बताया कि घटनास्थल पर खून से सना डंडा बरामद हुआ है और अंकुश के शव से मिले कुछ साक्ष्य का संकलन कर जांच शुरू कर दी गई है, जबकि वारदात को अंजाम देने वालों की धरपकड़ के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है। हमरा बेटा जकरा दे हमरा बेटा के सुध दो रे ककरो कुछ न कर ले रे टोटो चला के बेटा हमरा का करबे रे हो बेटा हमर रात के फोन कर ले के तब जान ली और बेटा को हो बेटा संदीप डॉक्टर जो आस्ते जो बिहार के तरफ जाता है जस्ट रोड के नीचे से वहीं पे पुआ अड्डाबाजी होता है। चौवा सप्रीम गाजा ताजा जितना भी है अज्ञात व्यक्ति भी वहाँ पे बहुत सारा आता है। हमको सर कोई पता नहीं है सर, हम तो गए थे सर कमाने गए थे, हम मछली मारते हैं सर, मछली मारने गए थे हम। ऐसे जानकारी मिला? जानकारी सर फोन किया तब वहाँ से भागे भागे आए सर। अभी आप लोगों ने सर एग्जाम किया था, क्या मांगे हैं? क्या सर हम मांगेंगे सर, 1 रुपया मेरे पास में भी नहीं है सर, कैसे हम इसका संस्कार करेंगे सर। बिहार होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज की DG शोभा अहोटकर के खिलाफ रविवार को भागलपुर के खलीफाबाग चौक पर युवाओं ने काली पट्टी लगाकर मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौन प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बिहार सरकार द्वारा IT विकास भवन को दिए गए नोटिस को वापस लेने की मांग करते हुए DG शोभा अहोटकर पर कार्रवाई करने की मांग की। दरअसल मामला IPS विकास भवन द्वारा DG को किए गए एक ट्वीट के बाद से बढ़ता चला गया, जिसमें IG विकास भवन ने कुछ दिनों पूर्व ट्वीट कर DG शोभा अहोटकर द्वारा गाली देने की बात कही थी। वहीं IG द्वारा ट्वीट करने के बाद DG होमगार्ड ने उन्हें नोटिस थमाया था, जिसको लेकर IG विकास भवन के समर्थन और DG के विरोध में राज्य के अलग अलग जिले में प्रदर्शन किया जा रहा है। इधर भागलपुर में प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों ने कहा कि अगर जल्द से जल्द उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो इस मुद्दे पर पूरे बिहार के साथ देश भर में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। अरे जो विकास वैभव सर है, जो IG हैं होम गार्ड वर्तमान में और फायर के, जिनमें सत्य के साथ सील है, शौर्य के साथ धैर्य है और कर्मयोग के साथ ईश्वर पर भरोसा है, ऐसे महान बिहार के लाल जो ईमानदार हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, समय पाबंद हैं, 9:30 बजे ऑफिस जाते हैं और 6:30 बजे तक ऑफिस में रहते हैं, एक भी फाइल टेबल पर नहीं रहता है, सारे फाइल को समय से संपादित करते हैं, बिहार में बहुत सारे कार्य किए हैं जिसको हम गिना नहीं सकते हैं, ऐसे हमारे महान बिहार के लाल को उनके सीनियर पदाधिकारी ने, शोभा जी ने, अब जो वाणी का उन्होंने दुरुपयोग किया है
उससे हम बहुत आहत हैं, पूरे बिहार के लोग आहत हैं। वैभव सर सिर्फ एक पुलिस पदाधिकारी और सिर्फ एक IPS नहीं, बल्कि हम लोगों के लिए पूरे बिहार के लिए मान सम्मान और हमारा अभिमान है। और ऐसे अधिकारी जिन्होंने पुलिस पब्लिक रिलेशन का एक अद्वितीय नमूना पूरे बिहार में पेश किया है। जैसे लोग आम जनमानस पुलिस से बात करने से डरते थे, लेकिन विकास वैभव सर जैसे अधिकारी जब भागलपुर में DIG रहे तो एक आम फरियादी भी बड़े ही सुलभ तरीके से उनसे मिल सकता, उन्होंने एक मिसाल कायम किया। और ऐसे पदाधिकारी पर, एक बिहार का होने पर, उन पर बिहारी अपमानजनक शब्द प्रयोग कर सिर्फ उनका अपमान नहीं किया गया, ये बिहार के एक एक लोगों का अपमान है और ऐसे अपमान को बिहार का कोई लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। भागलपुर के अलीगंज गंगटी प्राथमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं और अभिभावकों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इस दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं ने कहा कि उनका स्कूल पूरा तरह से जर्जर हो चुका था, जिसके बाद जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के द्वारा स्कूल को महेशपुर में शिफ्ट कर दिया गया, जबकि वहां जाने के लिए छात्र छात्राओं को अलीगंज मुख्य सड़क पार करके जाना पड़ता है, जिससे आए दिन उन लोगों के मन में दुर्घटना का डर बना रहता है। छात्रों ने कहा कि जर से कई बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जबकि उन लोगों की मांग सरकार द्वारा उनके जर्जर स्कूल को ठीक कराने की है। साथ ही कहा कि स्कूल का नया भवन बनाकर स्कूल को अपने पुराने जगह पर ही चलाया जाए। इसके अलावा बच्चों ने प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री और शिक्षा विभाग से भी स्कूल को दुरुस्त कराकर चालू करवाने की मांग की है। 200-300 घर है और एकमात्र स्कूल हमारे गंगटी में है, ठीक है, सदियों से आ रहा है। और हमारा परेशानी हम लोग के समाज का बच्चा जो जाता है यहाँ से पढ़ने, बहुत डर लगा रहता है क्योंकि बहुत बिजी रोड है और कई बच्चा जख्मी भी हो गया है, धक्का भी मार दिया है। हम लोग का समाज का गार्जियन भेजना नहीं चाहता है, इसलिए डर बना रहता है। हम लोग यही समाज के आदमी चाहते हैं कि हमारा स्कूल सुरक्षित बन जाए और हम लोग का बच्चा समाज का यहाँ पर है, जो कि हम लोग का गार्जियन को डर नहीं रहे और हमारा बच्चा सुरक्षा से सुरक्षित आ जाए और घर आवे। बाबा बुढ़ानाथ भक्त मंडल भागलपुर शाखा की ओर से रविवार को गौशाला परिसर से विशाल निशान शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए बाबा बुढ़ानाथ मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान निशान शोभा यात्रा में बूढ़े बच्चे जवान समेत काफी संख्या में पुरुष महिला श्रद्धालुओं ने शामिल होकर बाबा का जयकारा लगाया और मस्ती में झूमते रहे। वहीं शोभा यात्रा में निकाली गई झांकी के दौरान भक्ति गीतों पर श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए, जबकि हाथों में निशान लिए भक्तों ने बाबा बुढ़ानाथ मंदिर प्रांगण पहुंचकर बाबा को जलाभिषेक किया। इसको लेकर बाबा बुढ़ानाथ भक्त मंडल भागलपुर शाखा के महासचिव नितिन भुवानिका ने कहा कि संध्या के समय खरमनचक स्थित गोकुल धाम में नृत्य नाटिका, भजन कीर्तन और प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 8वीं बार यह निशान शोभा यात्रा निकाली गई है, जबकि कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल तक इस कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टर रतन शर्मा, प्रशांत टेकरीवाल, योगेश शर्मा, अमित कुमार हांडा और सुनील छैला समेत काफी संख्या में संस्था के कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे। ये हमारा बाबा बुढ़ानाथ भक्त मंडल भागलपुर के द्वारा ये हमारी आठवां साल कंटिन्यू है। बाबा का निशान ये हम लोग 8 साल से निकाल रहे हैं, 2 साल बीच में कोविड का हो गया, ऐसे 10 साल हो गया हम लोग। श्री श्री गौशाला से हम लोग निकले हैं, लगभग 700 से 800 श्रद्धालु इसके अंदर में महिला पुरुष और बच्चे सारे सम्मिलित हैं और हम लोग यहाँ से पूरा नगर भ्रमण करते हुए बाबा बुढ़ानाथ मंदिर अभी पहुँचेंगे और बाबा का जलार्पण करेंगे, उसके पश्चात शाम को हमारा गोकुल धाम खरमन चेक में। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के मंडला में आयोजित 3 दिवसीय खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार के खिलाड़ियों ने भी बेहतर खेल दिखाते हुए पदक पर कब्जा जमा लिया। बिहार सरकार के खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के द्वारा स्वदेशी खेल थांगटा की बिहार टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हिस्सा लिया, जिसमें बालिका वर्ग में भागलपुर NTPC कहलगांव की माहिका कुमारी 52 किलो वर्ग में कांस्य पदक अपनी झोली में डाल दिया, जबकि 56 किलो वर्ग में आकांक्षा सिंह ने देश भर में 8वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा भागलपुर के प्रज्वल कुमार समेत मोकामा पटना की कुमारी सनाया एवं दिव्यांश आनंद ने भी देश भर से भाग ले रहे खिलाड़ियों के बीच बेहतर प्रदर्शन कर बिहार और अपनी टीम का सम्मान बढ़ाया। वहीं माहिका कुमारी द्वारा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर देश भर में बिहार का नाम रोशन करने पर बिहार सरकार की कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र कुमार राय, विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्र शंकरन समेत खेल से जुड़े कई पदाधिकारियों और हस्तियों ने भी माहिका को बधाई देते हुए बिहार के खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इधर यूथ गेम्स में हिस्सा लेने गई टीम का नेतृत्व प्रशिक्षक सुबोध कुमार यादव और विकास कुमार झा ने किया। वहीं इसको लेकर बिहार थांगटा संघ के महासचिव विकास कुमार झा ने बताया कि बिहार की बेटी माहिका कुमारी ने थांगटा में कांस्य पदक जीतकर राज्य को गौरवान्वित किया है।
भागलपुर के शिवपुरी कॉलोनी में रविवार को गायत्री शक्तिपीठ की ओर से नारी जागरण को लेकर नवचेतना जागरण 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ की शुरुआत की गई। इस 12 से 15 तक चलने वाले 4 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर बीते 5 फरवरी को भूमि पूजन किया गया था। यज्ञ का संचालन हरिद्वार शांति कुंज के ब्रह्मा बांधिनी टोली के द्वारा किया जा रहा है, जबकि भागलपुर रेलवे लोको कॉलोनी दुर्गा स्थान मैदान में आयोजित कार्यक्रम में महायज्ञ की पूरी तैयारी की गई है। रविवार को नवचेतना जागरण 24 कुंडी गायत्री यज्ञ की शुरुआत हुई, जिसको लेकर शहर में कलश शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं 4 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में प्रत्येक दिन संगीत, प्रवचन, देव पूजन, यज्ञ और संस्कार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। वीडियो में जो तस्वीर आप देख रहे हैं वह कोई तालाब नहीं है, बल्कि यह वार्ड नंबर 43 की मुख्य सड़क है, जहां लोगों को वर्षों से नाले के पानी में करीब 1 किलोमीटर तय करके बाजार, स्कूल, कॉलेज और कार्यालय जाना पड़ता है। यहां नाले का पानी इस कदर सड़कों पर फैला हुआ है कि वह तालाब सा दिखाई देता है। वहीं इसको लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरह से नाले का पानी गुजरता था, वहां पर किसी ने शौचालय बना दिया है, जिसके कारण नाला का पानी रोड पर आ जाता है, जिससे वार्ड 43 के लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने बताया कि इसको लेकर जब कभी कुछ बोला जाता है तो मारपीट शुरू हो जाती है, जबकि कुछ लोगों ने इस मामले में थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि ये रास्ता मकवरा की ओर जाने का है, लेकिन शौचालय बनाकर बाधित कर दिया गया, जबकि नाला का पानी भी परेशानी का सबब बन गया है। वहीं अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर की नई मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन इस पर क्या पहल करते हैं। परेशानियाँ 2 महीना 3 महीना से करीब परेशानियाँ, छोटा छोटा बच्चा गिर पड़ जाता है, कैसे जाएगा बताइए। ये हालात रहेगा दोनों तरफ से एकदम बहुत परेशानी है, कादो कीचड़ पानी में डूब डूब के जाता है, गिर पड़ जाता है। और ये पानी नाला का बार बार जो है सो ये पानी रोड पे आ जाता है, बाल बच्चे को पढ़ने लिखने में, स्कूल जाने में कठिनाई होती है। और हम लोग बार बार वार्ड काउंसिलर को जो है सो कहते हैं जाके, तो वो कभी बोलता है कि हम क्या करेंगे, और सब मिल करके थाना आओ और ये जाके थाना प्रभारी को कहेंगे वहाँ वो नाले जाम कर दिया है, कोई मोती मियाँ है उसके उसके जमीन पे बोल रहा है कि हमारा जमीन है, इसलिए नाला पैक कर दिया है। अच्छा ये है कि जिस तरफ से नाला पास होता था पप्पू इलियास के तरफ से, वहाँ पर मोती मियाँ ऊपर में लाइटिंग बना दिया है, इसके कारण से पानी निकलता नहीं है। हम लोग इधर बोले 29 तारीख को जा करके उसको, तो और झगड़ा मार करने लगा। और दूसरा बात है कि जो पूर्व पार्षद था सफीरुल आलम वो बोला, तो उस पर जाकर FIR करवा दिया। भागलपुर में विश्व महिला दिवस को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी महिला प्रकोष्ठ की ओर से 12 मार्च को कला केंद्र में महिलाओं का सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। इस दौरान वैसी महिलाओं का सम्मान किया जाएगा जिनके द्वारा समाज के किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दिया गया हो। इसको लेकर रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर संस्था के द्वारा इसकी जानकारी दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीवन जागृति सोसाइटी की महिला समूह के द्वारा अंगभूमि महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर जय कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम करने का मुख्य उद्देश्य है नारी का सम्मान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व पटल पर अपनी पहचान कई क्षेत्रों में महिलाओं ने बनाई है, जबकि किसी कारणवश घर में बंद रहने वाली महिलाएं भी अब आगे आने लगी है। मौके पर सोसाइटी की महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष अरुणिमा सिंह, सचिव विनीता शाह, कोषाध्यक्ष आशा पाठक और दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। जो महिला का सम्मान कर रहे हैं, यही आप लोगों के माध्यम से ये लोगों तक पहुँचेगा कि ऐसे महिलाओं को जिनको लोग आगे बढ़ती थी तो उनको हेय दृष्टि से देखा जाता था, आलोचना का शिकार होती थी, जब उनको हम लोग सम्मान करेंगे तो ये खुद ये न्यूज जो है, ये उनको जो सम्मान जो हम लोग करने जा रहे हैं, यह खुद एक प्रेरणा स्रोत बनेगा और इसमें महिला और आगे आएंगी और अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे ढंग से करेंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।